दोस्तों, आपने सुना होगा कि बहुत से ट्रेडर और एनालिस्ट यही बोलते हैं कि इंट्रा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इसमें ज्यादा लॉस होता है, इससे बचना चाहिए। बट दोस्तों, पर्सनली आई लाइक इंट्रा ट्रेडिंग, आई लव इंट्रा ट्रेडिंग। दोस्तों, इंट्रा ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है? लॉस तब होता है जब आपको ये नहीं पता होता कि कब आपने इंटर करना है और कब आपने एग्जिट करना है, और क्योंकि इंट्रा ट्रेडिंग में कब स्टॉक्स या निफ्टी, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो जाता है और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आप उसको होल्ड करते रहते हो, स्टॉप लॉस में नहीं लगाते हो, कैरी करते रहते हो। या दूसरे वे में मैं कहूं तो कई बार आप स्टॉप लॉस बहुत बड़े रख लेते हो और टारगेट बिल्कुल स्मॉल में बुक कर लेते हो। बट अगर दोस्तों, अगर आप एक प्रॉपर वे में एनालिसिस कर कर परफेक्ट एंट्री करोगे और परफेक्ट एग्जिट करोगे तो काफी आपको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं बिल्कुल आपको सिंपल वे में समझाऊंगा कि आप प्राइस एक्शन के साथ कौन सा इंडिकेटर यूज कर कर काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो और ये इंडिकेटर कैसे आपने यूज करना है। दोस्तों, काफी ट्रेडर कहते हैं कि सर आप लाइव ट्रेडिंग कीजिए, लाइव ट्रेडिंग की वीडियो बनाकर दीजिए। तो दोस्तों, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उसमें फिर काफी वीडियो एडिट करनी पड़ती है, उसमें बार बार वीडियो बनानी पड़ती है, वो सारी कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं वीडियो को एडिट करूं और फिर उसको अपलोड करूं। इसलिए दोस्तों, मैंने जो मेरे टेलीग्राम चैनल है ट्रेडर विशाल शर्मा के नाम से, इसमें मैंने आपको लाइव मार्केट में लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग के लेवल दिए थे बाय इंडिगो पेयर्स। 2 फेब की बात है, आज मैं 3 फेब को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 फरवरी को आपके साथ मैंने ये लेवल दिए थे 2565 के ऊपर बाय कीजिए, और ये आपको टारगेट दिए थे 3000 तक के, और स्टॉप लॉस भी दिया था 2400 का, और उस टाइम प्राइस चल रहा था 2530 2530। तो आपको मैंने दिया था कि 2565 के ऊपर बाय कर लीजिए और ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है। और उसके बाद जब मेरे टारगेट आ गए थे, मैंने इसको बुक किया था 3129 के प्राइस पर, जब अपर सर्कल लगा मैंने, वही मेरा टारगेट था। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे लेवल आइडेंटिफाई किए थे, कैसे स्टॉप लॉस था और कैसे मैंने टारगेट भी आइडेंटिफाई किया था। क्योंकि सिर्फ आप देखोगे कि उस दिन सिर्फ लिस्टिंग हुई थी, कोई हमारे पास बैक उसका चार्ट नहीं था, तो आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक तुक्का था, ये प्रॉपर एनालिसिस कर कर ही इंटर किया गया था। तो इसलिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो को आप पूरा सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे आपने इंट्रा ट्रेडिंग में एनालिसिस करने, कौन सा इंडिकेटर यूज कर कर बिल्कुल सिंपल वे में आप प्रॉफिट कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनने के लिए मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि देखिए, जब 6 मंथ पहले मैंने ट्राइडेंट की वीडियो बनाई थी तब इसका प्राइस 6.20 के पास प्राइस चल रहा था, और आप देखोगे कि आप इसका प्राइस 17 के प्राइस तक चला गया। और मैंने ये 6 मंथ पहले जैसे एसबी कार्ड की वीडियो भी बनाई थी तब उसका प्राइस 700 का प्राइस चल रहा था, और आज ये 1000 क्रॉस कर चुका है। तो वहां पर मैंने आपको प्रॉपर वे में बताया था कि क्या लॉजिक है, क्या चार्ट पर सिग्नल मिल रहे हैं, सब आपको बताया था। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपको वीडियो को लाइक करना है या डिसलाइक करना है, बट आप लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाकर आप लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। उससे पहले आपको टेलीग्राम की ऐप भी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, तभी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकोगे। और साथ में दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरा अपस्टॉक्स डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो मेरे लिंक पर क्लिक कर कर आप ज्वाइन उसमें अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि मैं आपको अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में 1 मंथ के लिए ऐड कर लूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि आपको मैंने वो कैसे सिग्नल आइडेंटिफाई किए थे बाइंग के, और ये सिर्फ पहले मैं अभी इंडिगो पेंट्स पर बात करूंगा, फिर दूसरे स्टॉक्स पर भी आपको जो बताऊंगा कि जो मैं स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, जो सेटअप यूज कर रहा हूँ। साथ में दोस्तों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने कोई बुक्स नहीं से नहीं पढ़ा है, सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पढ़ा है, और जो ये सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैं पिछले 6 to 7 8 months से इसको यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इंडिगो पेंट की यहाँ पर लिस्टिंग हुई
और ये फर्स्ट कैंडल, ये 5 मिनट का मैंने चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 5 मिनट का ही आपने इसमें इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट का चार्ट लगाना है, क्योंकि जो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर येलो कलर और पिंक कलर की जो आप लाइन देख पा रहे होंगे, ये दोनों इंडिकेटर है, इसकी भी अभी आगे चर्चा करूंगा, और नीचे RSI है तो इसको कैसे यूज करना है इसके आगे अभी चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कैंडल देखिए बेरिश कैंडल बनी, मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर है उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा सबने, और क्योंकि घबराहट के मारे फिर नीचे जब स्टॉक जाता जा रहा था उन्होंने और भी बाय कर लिया, सॉरी सेल कर दिया होगा। बट क्योंकि मैं इसलिए आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे एक फ्रेंड रिलेटिव ने इसको IPO में मिल गया था, और उन्होंने मेरे से पूछा भी था कि इसको होल्ड करें, मैंने उनको कहा था कि होल्ड कर लीजिए, वेट कीजिए थोड़ा समय इसको देखिए, बट जैसे ही नीचे जा रहा था तो उन्होंने बुक कर लिया। बट दोस्तों अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करना जानते थे तो आप इसको बुक नहीं करते, क्योंकि आप देखोगे कि ये फर्स्ट कैंडल बनी, इसमें वॉल्यूम काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिरावट हुई, एक ये बेरिश कैंडल बनी, बट जो नेक्स्ट कैंडल्स बनती जा रही थी वो आप देखोगे कि वॉल्यूम लगातार कम होते जा रहे थे, जो सेल जो रेड बार कैंडल बन रही थी उनमें वॉल्यूम बिल्कुल कम बन रहे थे। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये 10:35 पर ये देखिए एक यहाँ पर बुलिश हैमर टाइप की कैंडल बन गई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल होती है वो मारुबोजू कैंडल भी बन गई। तो ये एक सेटअप होता है कैंडलस्टिक का कि एक आपको कैंडल मिले हैमर टाइप की कैंडल, दूसरी मारुबोजू कैंडल, दोनों बुलिश कैंडल होनी चाहिए ये। तो ये जब कैंडल का सेटअप बन जाता है तो उसके बाद हमें एंटर करना होता है सेकंड कैंडल के ऊपर। सेकंड कैंडल के ऊपर मैंने आपको लेवल दिए थे कि इस लेवल के ऊपर इसका हाई था 2565, तो इसलिए मैंने 2565 के ऊपर आपको बाइंग का लेवल दिया था कि इस लेवल के ऊपर आपने बाइंग करना है। और साथ में आप देखोगे कि ये वी वेप है, ये इंडिकेटर यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी वेप और EMA 20 और वॉल्यूम। तो ये देखिए वी वेप है पिंक कलर की लाइन, वी वेप का फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के अगर स्टॉक नीचे चल रहा है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर मैं इसके उल्टा दिखाऊंगा दूसरे स्टॉक्स में कि अगर ये वी वेप नीचे है और प्राइस ये कैंडल जैसे ऊपर चल रही है तब ये सपोर्ट का काम करता है वी वेप, मींस अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो ये फिर बार बार वी वेप से वहां पर उसको टच करके फिर से वापस ऊपर जाएगा। दूसरी यहां पर है येलो कलर वाली 20 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहां पर इस लेवल के ऊपर आपने बाय करना था, वो लेवल यहां पर जाकर ब्रेकआउट हुआ। ये भी देखिए मारुबोजू कैंडल बनी और इसमें भी वॉल्यूम देखिए एवरेज के ऊपर वॉल्यूम यहां पर मिल गए थे, फिर दो कैंडल थोड़ी सी यहां पर आप देखोगे कि सेल साइड सिग्नल बना, सॉरी कैंडल बनी, बट वॉल्यूम बिल्कुल लो थे। अगर यहाँ वॉल्यूम ज्यादा हो जाते तब हमें थोड़ी सी टेंशन होती, बट इसलिए टेंशन नहीं थी क्योंकि जो वॉल्यूम थी बिल्कुल लो वॉल्यूम थी। ये लो वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ जो ये रेड वॉल्यूम बनी है इनकी, बट उसके बाद आप देखिए कि कंटिन्यू यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होते गए और स्टॉक ये चलता गया और अपर सर्कल लगता गया। दूसरी कंफर्मेशन इसकी देखिए ये भी होती है कि ये देखिए ये एक जब ये एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बनी, अगर ये जो दूसरी कैंडल यहाँ पर देखिए ये कैंडल अगर इसके नीचे काट देती, इसके नीचे क्लोजिंग होती तब द्वारा फिर ये स्टॉक नीचे जा सकता था क्योंकि ये रिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पर वी वेप पर ले चुका था। बट ये कैंडल देखिए इस कैंडल का जो लो था मारुबोजू कैंडल का 2475 था और इस कैंडल का प्राइस लो था 2481, मीन्स इसके पास से ही फिर से इसमें बाइंग आई, डिमांड आई। इसलिए दोस्तों आपको इंटर ट्रेडिंग में डिमांड और सप्लाई की गेम भी देखनी चाहिए कि कहां से डिमांड आ रही है, कहां से बार बार बाइंग आ रही है और किन लेवल पर बार बार सप्लाई आ रही है, किन लेवल पर मींस किन लेवल पर बार बार सेलिंग आ रही है। तो यहां से देखिए कि इस कैंडल के पास से फिर से इसमें डिमांड आई, बाइंग आई और यहां से फिर से कन्फर्मेशन मिल चुकी थी। उसके बाद से जब ये ब्रेकआउट हुआ और दोबारा फिर ये देखिए इसने ये वी वेप को फिर से टच किया और टच कर ही वापस फिर ऊपर चला गया। दूसरे इसमें एक आप और कन्फर्मेशन के लिए ये जो 20 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको भी ऐड कर लीजिए। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि यहां पर इसको आपको डबल कन्फर्मेशन मिल जाती है कि जब ये फिर अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट होता है तब ये फिर
ये जो 20 डेज की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको टच कर फिर इसको सपोर्ट कर लेकर वापस बार बार जाता है, बट इस स्टॉक में तो इसको टच नहीं किया जब फिर ये दोबारा ये ट्रेंड में चलना के स्टार्ट हो गया था, तो ये तो फिर वन साइडेड चलता गया। बट मैं दूसरे स्टॉक्स में दिखाऊंगा, उसमें आपको और भी क्लैरिटी आएगी। अभी मैं आपको दूसरे स्टॉक्स का नाम है जैसे आरबीएल बैंक, तो इसमें आरएसई का भी आपको बता देता हूँ। आरएसई का ये जो लेवल है ये देखिए ओवरबाउट जोन है 80 और ओवरसोल्ड जोन है 20। इसकी सेटिंग आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ये देखिए या आरएसई के फॉर्मेट में आप जाकर ये देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, ये 80 और 20 मैं अपने चार्ट में 80 और 20 की ही अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट रखता हूँ। इसका मतलब सिर्फ दोस्तों ये है कि 80 के ऊपर अगर स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग में जाता है 5 मिनट के चार्ट पर, तो इसका मतलब वो ओवरबाउट जोन में है कि वहां से फिर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो उसके बाद से हमें कंफर्मेशन ये मिलती है कि जब वो 80 के ऊपर के घूमकर जब नीचे जाता है तब फिर हमें उसमें मीन्स वहां से अपनी प्रॉफिट बुक करनी होती है अगर हम नीचे के लेवल से हो। तो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ आगे, जैसे इंडिगो पेंट की हम बात कर रहे थे, इसको मैं अभी बैक आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूँ आज के डे का भी। तो यहाँ पर आप देखिए ये 20 डेज की मूविंग एवरेज का काम क्या है, ये देखिए ये फर्स्ट डे यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया 20 डेज की मूविंग एवरेज, और इसके ऊपर फिर से इसमें अपर सर्किल लग गया था, बट इसमें प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग और ये कहिए कि इसमें सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो वो आपको कैसे देखना है। वो यहां पर आप देखिए कि ये देखिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 3 फरवरी को जो इसका प्राइस था वो 20 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे चलना स्टार्ट हो गया। वी वैप तो ऑलरेडी मॉर्निंग में उसके नीचे मतलब क्लोजिंग मिल गई थी 10:25 पर, उसके बाद 20 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग मिल गई थी 10:30 पर। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी ये बेरिश ट्रेंड में चल रहा है इंटर ट्रेडिंग में, बट इसमें देखिए दोबारा से फिर से डिमांड कहाँ से आई, डिमांड आई देखिए ये आरएससी का लेवल था 20 को टच कर फिर से इसमें डिमांड आ गई, और ये लेवल 2800 से लेकर ये देखिए यहाँ पर 3100 के लेवल तक चला गया। ये 3100 लेवल आप देखिए ये वी वेब का लेवल है, वी वेब मतलब अब ये उसको अब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है बट रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार जो बाउंस बैक ले रहा है वो ले रहा है वी वेब के प्राइस तक। तो ये देखिए वी वेब को टच कर फिर से नीचे आया, दोबारा फिर ये दोबारा ऊपर गया थोड़ा सा, फिर वी वेब को टच कर फिर से नीचे आ गया। तो क्लियरली हमें सिग्नल आज की डेट में इसमें क्यों नहीं मिले, 2 फरवरी को तो मिल गए लेकिन 3 फरवरी को इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैं वेट कर रहा था अगर ये प्राइस सस्टेन हो जाता है 20 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर और वी वेब के ऊपर तो इसमें ब्रेकआउट आना था इस लेवल के ऊपर। ये यहाँ पर ये देखिए ये कैंडल बनी थी 3148, तो यहाँ पर भी ये कैंडल भी एक देखिए बेरिश कैंडल बनी थी इसकी, देखिए जो विक देखिए ये कैसी कितनी दोनों कैंडल की बड़ी थी, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है इस कैंडल से कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर हाई है। इस कैंडल के ऊपर सस्टेन हो जाता क्लोजिंग मिलती 5 मिनट के चार्ट पर तब फिर हम इसमें बाइंग करते। आपको दोस्तों इसमें क्रॉसओवर नहीं देखना है कि ये 20 डेज की मूविंग एवरेज जब इसको क्रॉस करेगी तब बाय, नहीं आपको सिर्फ यहां पर भी आप बाय कर सकते हो इसके ऊपर जब वीवीएफ के ऊपर क्लोजिंग मिलती है। और यहां पर ये देखिए मैंने स्टॉप लॉस इसलिए रखा था क्योंकि अगर इस कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग मिल जाती तो वहां से फिर सेलिंग प्रेशर हाई हो जाना था, तो इसलिए स्टॉप लॉस मैंने यहां पर रखा था। और डे हाई के ब्रेकआउट के बाद ऑब्वियसली क्योंकि उसमें वॉल्यूम बढ़ने थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बड़े टारगेट दिए थे। तो आप मैं अभी आपके साथ आरबीएल का भी चार्ट शेयर कर रहा था, तो आरबीएल के चार्ट को भी आप अच्छे से देखिए। यहाँ पर भी देखिए कि फर्स्ट पर मैं आरएसआई को दिखाता हूँ कि 80 के लेवल पर ये देखिए टच जा रहा था आरएसआई, और फिर से ये देखिए 80 के लेवल के टच होकर, और तीसरी बार भी देखिए 80 के लेवल टच होकर फिर ये देखिए नीचे आया। और अगर हम अभी बात करें दूसरा दोस्तों आरएसई को आप एडवांस तरीके से ऐसे भी देख सकते हो कि आरएसई में आप डाइवर्स को देखिए, डाइवर्स को समझना सीखिए कि ये देखिए यहां पर आरएसई में डाइवर्स में देखिए ब्रेकआउट आ गया था यहां पर देखिए आरबीएल के चार्ट पर, तो ये देखिए यहां पर इसमें एंट्री बनती थी अगर हम आरएसई की बात करें तो यहां पर आपको एंट्री बनती थी, और इन लेवलों पर आप देखिए कि ये
वी वेब के ऊपर देखिए कैंडल बन गई थी और यहाँ पर इसने क्रॉस कर दिया था और इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई थी और ये कंटिन्यू देखिए अपसाइड में चलना स्टार्ट हो गया था। अभी ओवरबॉट के जोन में नहीं आया था क्योंकि 80 के ऊपर नहीं चढ़ना, सिर्फ 80 को जस्ट 80 के नीचे से टच कर कर ही आरएसई नीचे जाना था। ऊपर अगर जाता है उसके बाद आरएसई फिर नीचे आना स्टार्ट होता है तो वहां पर एक सेलिंग प्रेशर देखा जाता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आप कह सकते हो। जैसे आप इंडिगो के पेंट पर आप देखिए आरएसई 80 के ऊपर चला गया था उसके बाद नीचे गया और दोबारा ये देखिए फिर ये स्टॉक का प्राइस ऊपर भी गया लेकिन आरएसई फिर नीचे ही रहा। तो ऐसे ही इसमें आपने देखना होता है कि अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग इसमें आरएसई भी परफॉर्म करता है कि ये देखिए 80 के लेवल के पास जाता था तो इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो ऐसे दोस्तों जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि क्रॉसओवर नहीं देखना, कि वी वेब के ऊपर देखिए क्लोजिंग मिली कैंडल की कंटिन्यू ट्रेंड में चलता गया, यहाँ आरएसआई डिवाइस का भी ब्रेकआउट मिला और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर फिर इसका दूसरा काम किया क्या होता है कि जब ये ईएमए 20 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर निकल जाती है, ये वी वेब के ऊपर भी निकल जाती है तब फिर स्टॉक 20 डेज की मूविंग एवरेज के पास टच कर उसको सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया और जब ये फिर नीचे चढ़ना स्टार्ट हो गया वी वेब के नीचे ये देखिए तब फिर ये सॉरी 20 डेज की ईएमए के नीचे चढ़ना स्टार्ट हुआ और फिर ये नीचे चलता गया और ये देखिए आज के डेट में ये फिर वी वेब पर जाकर रुक गया। अगर दोस्तों देखिए आपने यहाँ पर एंट्री नहीं की होती तो यहाँ पर भी आपको एंट्री का लेवल मौका मिला था, आरएसए भी नीचे आ गया था 56 के पास और 20 डेज की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेकर फिर से ये स्टॉक अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या था, इनकेस आप यहाँ पर बाय करते तो आपका स्टॉप लॉस था अगर वी वेब के नीचे क्लोजिंग मिलती और क्लोजिंग के नीचे स्टॉक चलना स्टार्ट हो जाता तो वहां पर आपकी, क्योंकि फिर इसका रिवर्सल चेंज हो जाता। जैसे मैं आपको वीडियो में स्टार्ट में बताया था कि रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो रिवर्सल अगर वी वेब के नीचे कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर फिर ट्रेंड रिवर्स का सिग्नल मिल जाता है। जैसे आप बैक टेस्टिंग में देखोगे कि आपको अवॉइड भी कब करना होता है, इस दिन देखिए आप देखिए 2 फेब को यहाँ पर आरबीएल में ये देखिए कि यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ ऊपर साइड में गया स्टॉक, फिर ये वी वेब के नीचे चलना स्टार्ट हो गया और फिर ये 20 डेज की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा था, फिर ये नीचे से फिर बाउंस बैक वी वेब को टच किया नीचे आया फिर ये वी वेब को टच किया तो फिर ये वी वेब को टच किया। तो यहाँ पर देखिए ये अगर स्टॉक नीचे की साइड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में है थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है तो वी वेब को रेजिस्टेंस करेगा, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो फिर वी वेब को टच करके फिर अप ट्रेंड में चलेगा। तो आपको इसलिए अगर ये ऐसे डेज है जैसे ये फिर रेजिस्टेंस को टच करके वापस आ रहा है वी वेब को टच करके वापस आ रहा है तो ऐसे डे आपको अवॉइड करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी उस दिन। जैसे आप इसका बैक टेस्टिंग में ये देखिए ये वी वेब के ऊपर फास्ट ये देखिए गया था मॉर्निंग में ही, ये 29 जनवरी का चार्ट है, फिर उसके नीचे ये देखिए कंटिन्यू वी वेब के नीचे चलता गया फिर 20 डेज के नीचे चलता गया तो ये देखिए। तो यहाँ से फिर अगर हम बात करें इसमें अगर आपने बाय करना था तो बाय कब करना है, ये वी वेब के ऊपर जब ये दोबारा क्लोजिंग मिले, अगर इनकेस अगर आपने ये फर्स्ट कैंडल में भी लिया है तो फिर आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहीं बन जाती है जब ये वी वेब के नीचे क्लोजिंग मिले और इसके नीचे चढ़ना स्टार्ट हो गए तो यहीं पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ मोशन ट्रेडिंग मत कीजिए, अपना सेटअप बनाइए और जैसे ये देखिए नेक्स्ट डे 1 फरवरी को देखिए इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, ये स्टॉक नीचे थोड़ा ऊपर गया फिर ये बार बार वी वेब और ये देखिए वी वेब के पास बार बार सपोर्ट ले रहा था इसके पास, नेक्स्ट डे जब ये फिर देखिए सॉरी नेक्स्ट डे नहीं सॉरी सेम डे की बात है जब 12:45 के बाद जब इसमें ये देखिए इन लेवल का भी ब्रेकआउट आया यहाँ पर आप देखिए ये देखिए ये वी वेब के ऊपर ही देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, आपको लॉजिक भी समझना होता है और यहाँ पर आप देखिए आरएसए भी आप देखिए ये आरएसए के इस लेवल को भी ब्रेक किया था और यहाँ भी ब्रेक किया और फिर यहाँ पर ये देखिए प्रॉपर वे में फिर ये 20 डेज की मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो भी देखिए ऊपर की साइड में चढ़ना स्टार्ट हो गया था और उसने वी वेब को भी क्रॉस करके, बट हमें सिर्फ यहाँ क्रॉस नहीं देखना होता है सिर्फ लॉजिक ये समझिए कि अगर अब ये स्टॉक अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो गया तो ये 20 डेज के प्राइस को
सपोर्ट लेकर ऊपर चलेगा। दोस्तों मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आप अच्छे समझ पाए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसकी टेस्टिंग कीजिए, पहले काफ़ी बार टेस्टिंग कीजिए, क्योंकि सिर्फ आपने ऐसे नहीं कि आपने ये देखा सिर्फ कि इसके प्राइस के ऊपर है नीचे है, तो सिर्फ ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर लॉजिक समझना होगा, कैंडल को समझना होगा, प्राइस एक्शन को देखना होगा। इसलिए दोस्तों आप इसकी पहले अच्छे से टेस्टिंग कीजिए और काफ़ी चार्ट पर टेस्टिंग कीजिए। ये दोस्तों साथ में आपको ये बता दूँ कि उन चार्ट पर एप्लीकेबल होगा जिनमें वॉलेटिलिटी रहती है, जो सिर्फ एक रेंज के अंदर ही चलते रहते हैं, एक स्मॉल रेंज के अंदर चलते हैं, वहां पर वी वैप काम नहीं करेगी। मीन्स जिन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है वहीं पर इन इंडिकेटर को आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों आप इसको काफ़ी डेज टेस्ट कीजिए, फिर मैं ट्राई करूँगा कि मैं वहाँ एक आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी आपके साथ शेयर करूं कि लाइव स्ट्रीमिंग में जो आप स्टॉक्स बताओगे उन स्टॉक्स के ऊपर फिर हम ये स्ट्रेटजी ये सेटअप डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप भी देखिए दोस्तों द्वारा कि यहाँ पर ये देखिए 80 के ऊपर RSI का लेवल निकला, यहाँ भी निकला, इसलिए देखिए मेरा 80 का और ये 20 का एक ये स्टीक फॉर्मूला भी है आप देख सकते हो। और दोस्तों बहुत से ट्रेडर ये पूछते हैं कि सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें कैसे करें, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज दोस्तों ऐसे करना होता है कि जैसे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट आया, उसके बाद इसने यहाँ पर बॉटम बनाया, जब दोबारा यहाँ पर ब्रेकआउट आया तब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर ये रहता है। अगर आपने यहाँ पर एंटर किया है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये रहता है, फिर जब दोबारा ये देखिए फिर इन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया, फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये जो पिछले वाला ये देखिए बॉटम बनाया था, मीन्स जो हायर हाई के बाद जो हायर लो होता है जो आपका वही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। तो अगर ये इनकेस यहाँ पर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता तो यहाँ पर आपको एग्जिट होना था, बट ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसे फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे आज की ये वीडियो पूरी सुनी होगी, क्योंकि अगर आपने पूरी सुनी है तभी आपको अच्छे समझ आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसकी टेस्टिंग जरूर कीजिए, बैक टेस्टिंग भी कीजिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कीजिए, जब आपको इसको इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, इसको आप अच्छे समझ जाओगे तभी आप इसमें ट्रेड कीजिए। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो का मेरा डिस्क्लेमर भी रहेगा कि मैंने आपके साथ ये वीडियो लर्निंग और एजुकेशन के माध्यम से शेयर की है। किसी भी स्टॉक्स में एंट्री करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और अपनी सेल्फ स्टडी भी जरूर करें। और दोस्तों इस सेटअप को आप सारे स्टॉक्स पर यूज करके देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी यूज करके देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपके साथ फ्री में देखी इतनी लर्निंग आपके साथ शेयर की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा और आप लाइक जरूर करोगे। और कोई आपकी सजेशन हो, कोई इसके बारे में कोई आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और साथ में दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, अपस्टॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।